ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और बताओ, अभी आपके तरफ से कुछ बताओ। ऐसा हो सकता है थोड़ा समय सहन कर सकते हो। 99% तुरंत जवाब निकलता है, तब उनके सामने उनसे भी गुस्सा, गलत शब्द निकलता है, आवाज हो जाता है, दो बर्तन टकराते हैं। अगर एक को सहन वही कर सकता है, सभी करना चाहे नहीं हो सकता है। जो बच्चे रोज ज्ञान योग करते सुनते हैं तो उनके अंदर ये शक्ति, ये ज्ञान आता है, तो वो चुप रहता है, क्योंकि बाबा ने सुना हुआ याद है, मुझे सहन करना है, चुप रहना है, मुझे बोलना नहीं है। तो भी आप गलत नहीं, वो गलत है, आप सही हो, तो भी वो गलत होते हुए भी बोलते हैं। तो 5 मिनट आधा घंटा चुप रहो, और उस समय चुप रहो मुख से, मन में उनके प्रति शुभ सोचो। ऐसा नहीं उस समय मन चुप नहीं रहेगा, क्योंकि उनके बात अंदर घुसने नहीं चाहिए। उसको कहा सुनते हुए नहीं सुनना, सुनते हुए नहीं सुनना। कैसे सुने तो अंदर जाएगा। उस समय आप बोल रहे हो अंदर मन में, बाबा आप इनको शक्ति दे दो, इनको शांत करो, ये शुभ भावना कर देते हो, तो आपका मन उनकी बात सुनता नहीं है। तो ऐसा कर सकते हैं कि कठिन है, बताओ।